यस स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन क्लास में लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाईएस्ट ट्रिक्स मिलेंगी इसमें और हाईएस्ट कंफ्यूजन भी होता है। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स भी हमारे से लिमिट कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी में होती है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसका बेस क्लियर होता है तो आगे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रल कैलकुलस ये सभी कुछ क्लियर होता है। यानी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट बनाना चाहिए। मैं आपके साथ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक डिस्कस करूंगा और बिल्कुल श्योर हूं कि आपसे ये टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहले एक बार बस इतना करना आपको कि जो आपके पास फाउंडेशन कोर्स है उसे पूरा ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा आपने तो एक क्विक रिविजन में आपको हर चीज़ समझ में आएंगी। नहीं पढ़ा है तो एक बार हो सके तो रिविजन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। तो लिमिट का फंडामेंटल आपको कंसेप्ट पता है कि आप लिमिट पढ़ते इसलिए कि कंटिन्यूटी को समझने के लिए और उसी का एडवांस पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। जब हम बात करते हैं लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की तो लिमिट का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। अब हम बहुत बेसिक पे अभी नहीं जा सकते। लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल का लॉजिकल मीनिंग होता है इफ एक्स टेंस टू ए देन एफ एक्स टेंस टू एल। जैसे जैसे हम ए की तरफ बढ़ेंगे फंक्शन एल की तरफ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक्स कभी भी ए नहीं होगा और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स कभी भी ए नहीं होगा, नियर एफ होगा, जितना भी नियर सोच सकते हैं। बेसिकली आप जो लिमिट है वो किसी पॉइंट पर चेक करते हैं कि इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा देता हूँ। एक जैसे मान लीजिए लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री, आपको ये पता है कि थ्री पर एग्जिस्ट नहीं करता। फंक्शन के भी कंसेप्ट लगेंगे, मैं आपको इसमें साथ में फंक्शन का भी रिविजन करवाते हुए चलूंगा, पर फंक्शन अपने आप में काफ़ी डिटेल टॉपिक है। तो अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, क्योंकि थ्री रखने पे जीरो बाय जीरो की फॉर्म है, दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्स प्लस थ्री, अब यहां थ्री पुट नहीं कर सकते। तो आपको इसका थ्री पर बिहेवियर देखना होता। बेसिकली लिमिट में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर बोला गया उस पर आपको फंक्शन का बिहेवियर चेक करना होता है। तो फंक्शन का बिहेवियर मतलब कि थ्री पे इसका नेचर कैसा है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि थ्री पुट करने पे मिलता सिक्स, पर अभी थ्री पुट नहीं कर सकते थे। अगर हम फंक्शन को ग्राफिकली समझे तो कुछ ऐसा होगा, थ्री पर एक गैप बना हुआ होगा। तो आपको इसका बेसिकली थ्री के अबाउट नेचर देखना है, यानी थ्री के लेफ्ट और थ्री के राइट पर इसका नेचर कैसा है, यानी जितना नेबरिंग पॉइंट ले सकते हैं उतना नेबरिंग, और उसके बाद हम कंक्लूजन देते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो अब थ्री से छोटा मतलब हुआ लाइक 2.99 लिया तो आपको कितना मिलेगा, थोड़ा आइडिया देता हूँ 5.99, 2.9999 लिया तो 5.9999, यस और नो। इसका मतलब जितना आप थ्री के नियर जाएंगे उतना एफ एक्स सिक्स के नियर जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर हम आ जाएं, मान लीजिए मैंने लिखा 3.00001, जब हम लिमिट पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए जब फंक्शन में आपने पढ़ा है जिन फंक्शन के डोमेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, उन पॉइंट पर फंक्शन के हम बिहेवियर को चेक करते हैं यहाँ पर लिमिट में आके, और उसी पर हम कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को समझते हैं। अब सपोज आपने लिखा x इक्वल टू 3.001, तो f 3.00001 रखेंगे तो आपको मिलेगा 6.001, और जितना आप 3 के नियर जाएंगे, याद रखिएगा ये तो बहुत करीब, इससे भी कहीं ज़्यादा, उतना एफ एक्स 6 के करीब जा रहा है। यानी लेफ्ट और राइट पर फंक्शन का बिहेवियर अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती हो। जब आगे जाके आप कंटिन्यूटी पढ़ते हो तो कंटिन्यूटी में क्या होता है, यही चीज को देखिए कंटिन्यूस कैसे बनाया जाता है। आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री और यहां लिखते हैं एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री पर आप लिखते हैं यहां पर सिक्स। इसका मीनिंग होता है, आप याद करिए पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, बहुत डिटेल में मैंने अभी बोला आपसे बिल्कुल नहीं जा सकता, टाइम भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। इनफैक्ट जो टॉपिक मैंने आपको क्विक रिवीजन में करवाएं वो टॉपिक है जिनमें क्लास में मैं सबसे ज़्यादा टाइम लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, परमुटेशन हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, लिमिट कंटिन्यूटी हुआ, ये वो टॉपिक है जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मिस्टेक होता है। इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स को लिया कि जिनमें आपको प्रॉब्लम फेस करते हो आप, वो टॉपिक का रिवीजन करवाऊंगा तो आपको फायदा होगा। उन टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो आप इसका मतलब कोई भी टॉपिक कर सकते हो। तो इन टफ टॉपिक्स में मुझे बहुत टाइम लगता है क्लास में, पर अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अगर ये क्वेश्चन फंक्शन में आता तो आपको याद होगा कि इसकी अगर डोमेन में बोलूं तो आप बोलेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री, क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड। थ्री पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, राइट। अब थ्री रखने पर क्योंकि ये जीरो बाय जीरो की फॉर्म होती है, नॉट डिफाइंड कहाँ कहाँ होते हैं फंक्शन, लाइक जीरो बाय जीरो, वन बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी,
है ना, वन पावर इन्फिनिटी, रूट नेगेटिव, लॉग नेगेटिव, इन्फिनिटी पावर जीरो, ये सब नॉट डिफाइंड चीज़ें हैं और भी आएंगी। तो आपने इसका बोला डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री, पर जब हम इसके रेंज की बात करेंगे, रिमेंबर जब हम इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज में क्या होगा, आप डोमेन निकालते समय फंक्शन को सॉल्व नहीं करते, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए हुए हैं। तो डोमेन निकालते समय हम फंक्शन को सॉल्व नहीं करते, यानी अगर हम इसको अलग से मैं एक क्वेश्चन ऐसा दे दूं x प्लस थ्री और इसकी डोमेन रेंज पूछूं, ये इक्वल फंक्शन के कंसेप्ट हैं, तो आप बोलेंगे, इसकी रेंज भी बोलूं तो आप बोलेंगे रियल नंबर। बट जब ये फंक्शन लिखा जाता है तो आप इसकी डोमेन बोलते हैं एक्सेप्ट थ्री, और जब रेंज की बात आती है तो आप बोलते हैं और रियल नंबर एक्सक्लूडिंग सिक्स। वाई? क्योंकि हम रेंज निकालते समय फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व होके आएगा एक्स प्लस थ्री, राइट। अब यहां पर थ्री रखते हैं तो मिलता सिक्स, तो सिक्स आउटपुट में नहीं आएगा जबकि आ सकता है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में बहुत डिटेल में हमने कवर की हुई चीजें, तो ये ध्यान रखना है कि इसकी रेंज में सिक्स नहीं आएगा। अब उसी पॉइंट पर जो डोमेन में आपने छोड़ा है उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं फंक्शंस को आप लिमिट में स्टडी करते हो और उन्हीं फंक्शन को फिर आगे डिफरेंशिएट करते हो कि वे डिफरेंशिएट होंगे कि नहीं। तो पहले ही चेक करना पड़ता है कि इसमें लिमिट है कि नहीं, क्योंकि हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ते हैं तो फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी होता है। तो आप ये चेक करते हो कि जैसे थ्री पर है, अब थ्री के लेफ्ट और राइट पर आपने देखा इसका बिहेवियर ठीक कितना है, सिक्स के तरफ जा रहा है ना, कि सिक्स है, सिक्स नहीं है, इक्वलेंट टू सिक्स है, जितना नियरेस्ट आपकी इमेजिनेशन हो सकती है उतना नियरेस्ट, पर ठीक सिक्स नहीं है। यहां पर भी ठीक सिक्स नहीं है, पर ठीक थ्री हमने अलग से लिखा और कितना लग दिया सिक्स, इसका मतलब फंक्शन ज्वाइंट हो गया और इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। यानी ये कंटिन्यूटी में जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा आएगा और आप बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में हाईएस्ट मिस्टेक होती है, और मैं आपको एक बात श्योरली बोल रहा हूं कि सेशन के एंड में होते होते मैं आपको सिंगल फॉर्मूले से कंटिन्यूटी, लिमिट सब कुछ करवाऊंगा, डिफरेंशियबिलिटी बहुत अच्छे से समझिए, और सारे क्वेश्चन जो अभी इस साल आए हुए हैं वो आपको बनने भी वाले हैं 100%। तो यहां पर एक चीज समझ में आ गई आपको कि अगर मैं देखूं तो ये 6-6 दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इन टर्म ऑफ लिमिट बोलूं तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो नहीं करती। अब बात आती है कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी में ये चीज इसलिए दी जाती है क्योंकि आप देख रहे हो इसका बिहेवियर थ्री पे ब्रेक हो रहा है, पर थ्री के नेवर और राइट पर, लेफ्ट और राइट पर इसका बिहेवियर सेम है, ठीक थ्री पे हमने सिक्स रखा, फंक्शन ज्वाइंट हो गया और फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, यानी ये आगे जाके कंटिन्यूस होगा, यानी इसको आगे जाके हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक फंडा हुआ। अब अगर इसको देख के मैं लिखूं तो इन टर्म ऑफ लिमिट लिखूंगा तो कुछ ऐसा लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू थ्री, लिमिट x टेंस टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन x माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स। अब इसका मीनिंग लॉजिकली ये होता है कि ये थ्री के इक्वल नहीं है और ये सिक्स के इक्वल नहीं है, पर सिक्स के नियरेस्ट पॉइंट पर है। ये लिमिट का फंडामेंटल कंसेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। लिमिट में आपसे काफ़ी सारी ट्रिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में आप एक सिंगल फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब बात करते हैं मेथड ऑफ लिमिट की, तो मेथड ऑफ लिमिट में याद रखिएगा सबसे पहले मेथड आता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यहाँ मीनिंग ये है कि अगर लिमिट की ये वाली फॉर्म नहीं है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर लिमिट की ये फॉर्म नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, इस सिंपली कैसे कर सकते हैं, और देखिए मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि सभी एग्जाम में सारी बातें इस पर डिपेंड करती है कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स क्या है। मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जो एकदम देख के क्लिक करना चाहिए, किन किन स्टेप्स पर आपको वर्क करना चाहिए जिससे कि आप आंसर क्विकली दे पाएँ। तो आप मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा लिमिट एक्स टेंस टू टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो अगर मैं यहाँ पर टू रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ माइनस होता तो नहीं रख सकते थे, तो फोर प्लस फोर रूट एट, ये कहलाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। हर क्वेश्चन का एंड इसी तरीके से होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैथड नंबर अगर हम टू की बात करें तो वो है फैक्टराइजेशन मैथड। फैक्टराइजेशन मैथड का एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू सपोज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन या एक्स स्क्वायर माइनस 27 ले लेते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब यहाँ से लिमिट का आपको कंसेप्ट स्टार्ट होता है, तो अगर मैं यहाँ पर ठीक थ्री पुट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर ठीक थ्री पुट कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब लिख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 27 जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, तो इसको फैक्टर बना के भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो 3x स्क्वायर अपॉन, सॉरी एल हॉस्पिटल बताता हूँ अभी, इसका फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
3x plus 9 upon x minus 3x plus 3। अब एक बेसिक फंडा लिमिट का याद रखिएगा कि x tends to अगर कभी भी a दिया हो, x tends to कभी भी a दिया हो, तो आपको एक ही बेसिक बात याद रखनी है कि x tends to a में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x माइनस a का फैक्टर को कैंसिल करना है। अगर x tends to, अभी तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, x tends to माइनस a दिया हो तो x प्लस a को कैंसिल करना है, और यदि x tends to, मान लीजिए अगर x tends to सपोज 0 दिया है तो आपको x को कैंसिल करना है। यस, तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर ऐसा दिया है तो इनको हमें कैंसिल करना होता है। अब यहां पर देखिए, जैसे ये कैंसिल हुआ आपको कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आपने इसे कैंसिल करा और अब आपने 3 रख दिया तो क्या होगा, 9 + 9 + 9 / 6, राइट। पर नॉर्मली जो फैक्टराइजेशन मेथड वाले क्वेश्चन होते हैं, सुनिए ध्यान से, जो फैक्टराइजेशन मेथड वाले क्वेश्चन होते हैं वो एल हॉस्पिटल रूल से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। हम क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक क्लियर होगा। एल हॉस्पिटल रूल्स क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, ये इसलिए बीच में बता रहा हूं कि जिसमें लग जाए, पर मैं एक बात बोलूंगा कि आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एल हॉस्पिटल तो स्पेशली जेई में तो नहीं मिलते, क्योंकि ये मेथड सभी यूज कर लेते हैं, इसलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही रेयर मिलेंगे। एनडीए वगैरह में मिल जाएंगे पर कम मिलेंगे, पर रूल आना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx। तो अगर मैं x के प्लेस पे a रख दूं तो fa अपॉन ga, ये 0/0 और ∞/∞ ओनली, अगर ये इस फॉर्म में है तो ही हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी 0/0 और ∞/∞ ओनली, देन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल एंड अकॉर्डिंग टू रूल डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, मींस आपको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, बिना बुक खोले ही रिवीजन करना है d/dx/gx। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता तो 3x², इसको करता तो 2x, एंड देन पुट x इक्वल टू 3, तो 3 पुट किया तो देखिए 27/6, रिजल्ट वही आएगा। तो नॉर्मली, क्योंकि इसमें आपने फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, इन सब की जरूरत मैं बोलता हमेशा इनकी जरूरत ही नहीं, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से हमेशा होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। काय के लिए आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर कभी भी आ जाए तो यहाँ होगा n/m a पावर n-m, एंड रिमेंबर लिमिट x टेंड्स टू 1 x^(n-1)/(x-1) इज n, पता सब होना चाहिए। जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जो जो चीज़ मुझे याद आ रही है मैं लिखवाता जा रहा हूँ, वही काम आपको करना है। x^(n-1)/(x-m-1) दिस इज n/m। तो फैक्टराइजेशन मेथड में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फैक्टर्स बना के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लिमिट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका ही एडवांस पार्ट है। और अभी इस मेथड में मैं लिमिट के साथ ही कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ाता हूँ, एक बार इसका थ्योरी क्लियर करके फिर हम सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट मेथड है बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 √(1+x) - √(1-x), राइट, यहाँ माइनस ले लीजिए, अपॉन x, अब यहां पर प्लस ले लीजिए, क्लियर है बात। अब देखिए ध्यान से कि अगर मैं इसमें ध्यान दूं तो इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे 0 रख दूं तो क्या मिलेगा, 1-1 0/0 की फॉर्म है, तो आप डायरेक्टली इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको रैशनलाइज किया तो क्या होगा, 1-x - 1+x/(x) into rationalizing factor rule के हिसाब से लिमिट हर बार लिखना चाहिए, पर मैं क्योंकि आपको एक चीज़ बोलूँगा, हर स्टेप टाइम सेव करती है, तो लिमिट बार बार लिखने की जगह उसको भूलते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, -2x/, ये स्टेप भी नहीं लिखनी, अभी मैं इसके डायरेक्ट तरीके बताता हूँ आपको, पहले एक बार लाइक अब ये देखिए, x से x कैंसिल, -2/x के प्लेस पे 0 रख दिया तो 2, तो -1 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये हुआ जब रैशनलाइज करना हो। नेक्स्ट आते हैं लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लें। सबसे पहले लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स अगर ऐसा दिया हो तो इसका मतलब है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी मेथड के हिसाब से चलें तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, x को 1/t लेते हैं,
x टेंस टू इन्फिनिटी एंड देयरफॉर t टेंस टू जीरो होगा, करना नहीं है इससे, तो आप इसको इस ढंग से लिख के सॉल्व कर लेते हैं और वही जो मेथड अभी पढ़े हैं वैसा हम करते ये हैं। आप याद रखिए x टेंस टू अगर इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन x टेंस टू हमेशा 0 या 1 अपॉन x पावर n टेंस टू भी 0, इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं और इस कंसेप्ट को यूज़ करने से आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 9 या माइनस 9 कुछ भी ले लीजिए अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13, राइट। अब यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लिया तो ये मिलेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3 प्लस 5 बाय एक्स माइनस 9 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 11 बाय एक्स प्लस 13 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सब जीरो तो बचा क्या 3 बाय 7। वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसके कोफिशेंट से ही मिलता है, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 3 बाय 7 तो 3 बाय 7। इसमें 3 पॉसिबिलिटी, मान लो 3x क्यूब प्लस 5x प्लस लिखा है और नीचे लिखा है 7x स्क्वायर, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो आंसर 0, अगर डिनोमिनेटर की मान लो 4 होता तो न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो 0, और अगर सेम डिग्री है तो हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट, यानी इसमें इस पर्टिकुलर टाइप में, बाकी इन्फिनिटी की बहुत सारी टाइप्स हैं, इस पर्टिकुलर टाइप में याद रखिएगा कि तीन ही वैरायटी बनती है। तो अगर मैं दूं x टेंस टू इन्फिनिटी 7x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 9x, आप इमीडिएटली आंसर बोल देंगे इन्फिनिटी, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है। मान लीजिए इन्फिनिटी की बात करूँ, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 अपॉन 11x क्यूब प्लस 5x प्लस 3, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है 0, और मान लीजिए ऐसा लिखा होता 11x क्यूब प्लस 13x प्लस 1 अपॉन 19x स्क्वायर प्लस 6x 19x क्यूब, तो आंसर होता सीधा सीधा 11/19, यानी क्या दिया हुआ इसके ऊपर डिपेंड करता है, पर ये तीन टाइप है। अभी बिल्कुल बेस वाला पोर्शन को रिवाइज कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस के थ्रू आपको काफी सारे कंसेप्ट बताऊंगा। यस, तो ये एक बेसिक आइडिया है, क्योंकि क्वेश्चन से कई चीजें मिलती हैं तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल कंसेप्ट ऑफ लिमिट और कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, फंडामेंटल रूल ऑफ लिमिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ पूरा लिमिट का कंसेप्ट ही इस पे बेस्ड है, पूरा लिमिट का कंसेप्ट इस पे बेस्ड है, एक्चुअल में कंटिन्यूटी का कंसेप्ट इस पे बेस्ड है, और इसका डिफरेंशियबिलिटी का भी, क्या है LHS लिमिट एंड RHS लिमिट, इसी पे पूरी चीज बेस्ड है। जब मैं आपको बोलता हूं, आप समझिएगा यहां पर, इसको अच्छे से समझिए फिर क्वेश्चंस को करेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू l, तो आपको एक बात पहले से बता दी गई है कि x की वैल्यू a तो होती ही नहीं है, तो a से कम, जो एग्जांपल भी लिया था 3 से कम 3 से ज्यादा, तो आपको केवल इसको चेक किस पे करना होता है, a से कम और a से ज्यादा, यानी आपको एक बार ये सब नहीं लिखना, आपको एक बार लेना लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x इक्वल टू a माइनस h, x टेंस टू a देयरफॉर s टेंस टू 0, और फिर आप सॉल्व करते हैं और l आना चाहिए, ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी भी कहलाता है और कुछ नहीं है ये। तो राइट हैंड जब लिमिट निकालते हैं तो x इक्वल टू लिखते हैं a प्लस h, x टेंस टू a देयरफॉर s टेंस टू 0, तो क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, इसको निकालते हैं, ये भी आना चाहिए एल, ये बेसिक कंसेप्ट है। और अब जब हम लिमिट को करते हैं, अब कई बार ऐसा भी लिखा मिलता है लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, इसका मतलब है आपको यहां पर केवल एक्स इक्वल टू ए प्लस एच को चेक करना, ध्यान रखिएगा अभी क्वेश्चंस पे आता हूं। अगर कभी ऐसा लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, तो आप याद रखिएगा यहां पर केवल ये चेक करते हैं, यहां पर आपको चेक करना ए माइनस एच, मतलब लॉजिकली देखें तो मैं आपको, क्योंकि स्टेप सेविंग की आदत है मेरी, s टेंस टू 0 यहां पर f a माइनस h निकालते हैं, यहां पर f a प्लस h निकालते हैं, पर आप डायरेक्टली करेंगे। तो अब आपको कुछ कंसेप्ट बनवा रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा, यही पोर्शन है जिसका सबसे ज्यादा अभी मैं आपको यूज करवाऊंगा, कि अगर कभी ऐसा दिया हुआ है और कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से या फंडामेंटल रूल से जरूर होगा, यानी इस रूल से तो हर क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको केवल एक ट्रिक बता रहा हूं, इतना सा एक काम करना, एफ ए माइनस एच निकालिए,
एफ ए प्लस एच निकालिए लिमिट के लिए, कहीं लिमिट नहीं लिखिए, मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, सीधा इस तरीके से करिए, देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको सब्जेक्ट एग्जाम नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव देना है। यही कंसेप्ट अगर कंटिन्यूटी में आ जाइए लिमिट के लिए, तो कंटिन्यूटी में एफ ए माइनस एच, एफ ए प्लस एच और डिफाइंड वैल्यू एफ ए, ये निकालते हैं, ये थ्री इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। मान लो एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच है बट नॉट इक्वल टू एफ ए, तो भी डिसकंटिन्यूस होता है। वैसे रिमूवल कंटिन्यूटी कहलाती है, ये एक्चुअल में कंटिन्यूस फंक्शन है पर आपकी नॉलेज के लिए हमने इसको बदल दिया। तो आपको केवल इतना सा करना है कंटिन्यूटी में, देखिए अब मैं आपको ट्रिक बताऊं, कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देखनी होती है, यानी एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच, जिसको करने में आपको घंटों लगते हैं, आपके कंसेप्ट नहीं बनते, उसको आप एक एक स्टेप में करोगे, आप देखते जाओ। अगर कंटिन्यूटी है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, साथ में डिफाइंड वैल्यू भी निकालनी है। तो क्या करेंगे, एफ ए माइनस एच एफ ए प्लस एच और इक्वल टू एफ ए। अगर सपोज अगर मान लो आपको दिया हुआ है क्या कि लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, तो आपको लॉजिकली तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच निकालना है, पर इसकी ट्रिक ये है कि आपको यहाँ केवल एफ ए प्लस एच और एफ ही चेक करना होता है कंटिन्यूटी में, और लिमिट में केवल एफ ए प्लस एच। अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स है तो लॉजिकली आपको ये चेक करना होता है, पर आपको केवल इतना भी काम चल जाएगा। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपने, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अच्छा ये कंसेप्ट हुआ लिमिट का, कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया डिफाइंड वैल्यू और डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब जब हम डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है वो समझो। जैसे मैं बोलूँ डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो आप बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स, पर ये टू एक्स आता कैसे, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी से आता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक जो कंसेप्ट है, डिफरेंस टू एक्स आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, जो कि होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और फिर निकालते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको एफ डैश एल, ये एल एफ डैश हो गया, ये राइट आर एफ डैश ए पे निकालना है तो ए लिख दीजिए राइट हैंड, ये कितना हो गया लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, जिसमें आप हाईएस्ट कंफ्यूज होते हो उसमें आप सबसे कम स्टेप में टाइम करोगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो टॉपिक्स करवाएं इन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा टाइम लिया जाता है, आप मेरे साथ करोगे सबसे कम लोगे और आप बचे हुए टाइम में बाकी टॉपिक भी कवर कर पाओगे। अब देखिए ये एक चीज़ है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब याद करिए कंटिन्यूटी में आप क्या निकालते हो, एफ ए एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच, यही निकालते हैं। बस आपको ये तीनों रिजल्ट को यहाँ पुट कर देना है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी मिल जाएगी और कुछ नहीं करना। जैसे इसका ही मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर का कैसे आता, तो आप इसको ऐसे ही करते हैं, कोई एक भी निकाल के देख लो, फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। ये क्या लिखते हैं, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। अब ओपन करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, एच कैंसिल, तो टू एक्स प्लस एच, एच की जगह जीरो रख दिया तो देखिए टू एक्स आ गया। यानी कोई भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूफ इसी से होता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से या राइट हैंड डेरिवेटिव से कोई भी एक रूल निकाल लो आपका हो जाएगा। तो अब आप समझिए यहाँ पर कि अगर कभी लिमिट का क्वेश्चन है उसी का एडवांस कंटिन्यूटी है और उसी का एडवांस डिफरेंशिएबिलिटी और उसकी भी शॉर्ट फॉर्म ये तीन चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो समझाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में ही प्रॉब्लम आती है। मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कशन के साथ करूंगा तो आपकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और कंसेप्चुअली आप समझ पाएंगे कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो अब अगर हम बात करें लॉजिकली कि कुछ क्वेश्चन के साथ समझते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन दूं लिमिट एक्स टेंस टू सपोज थ्री मॉड एक्स माइनस थ्री, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल दिमाग में ही बिठा लो कि मॉड फंक्शन हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के अलावा कोई और इसका और तरीका होता ही नहीं है, फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही करना है आपको। अब आपको इसमें लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अननेसेसरी स्टेप लिखते जाओगे, मैं आपको टेक्निक समझाता हूं। आपको एफ एक्स ये दिया है
अगर आपने मेरी टेक्निक समझ ली, आप देखेंगे क्वेश्चन आए हुए आप एक एक स्टेप में करेंगे। सबसे पहले अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो आपको 3+H लेना है, 3+H-3, 3+H-3, mod H/H, दिस इज 1। फिर आपने लिया 3-H, 3-H-3, 3-H-3, mod -H/-H -1। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता, और जो कंटिन्यूस नहीं है वो डिफरेंशियबल हो गई नहीं। रिवर्स है, एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड लिमिट एग्जिस्ट, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट तो आपको एक एक स्टेप देखनी, जो कंटिन्यूस होंगे इज नॉट नेसेसरी कि वो डिफरेंशियबल होंगे, पर एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, बट इस मे नॉट बी एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशियबल, ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहां पर ये एक स्टेप में हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना था। अगर मैं आपसे अगर इस पेपर में dy/dx इसका पूछता तो आप बोलते डज नॉट एग्जिस्ट, कंटिन्यूटी पूछता डज नॉट, कंसेप्चुअली देखें ग्राफिकली देखें तो भी समझिएगा, यही तो चीजें हैं जिनको हमने कंसेप्ट बना के समझा। मैं बोलता रहा आपको कि जो ये चीज रेगुलर में या जो आपके फाउंडेशन कोर्स है बहुत ही डिटेल में कवर की गई है। अब जैसे 3 पर देखें तो 3 पर ब्रेक है, 3 के राइट पर 3+H पर +1 है, ऐसा ग्राफ जाता है इसका, 3 पे तो कुछ है ही नहीं और 3- ये आ जाता है। अब देखिए गैप आ गया, कहां से कंटिन्यूस होगा कहां से डिफरेंशियबल होगा आप खुद सोच के देखिए, पॉसिबल ही नहीं है, तो ना ये कंटिन्यूस है ना डिफरेंशियबल है ना लिमिट एग्जिस्ट कर रही, तो आप इसका आंसर बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये ध्यान रखिएगा, यही चीजें हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं बात करता हूं यही क्वेश्चन में, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं अब आपसे अगली मिस्टेक बताता हूं क्या होता, 4 लिख देता तो क्या होता। अब आपके पास अगर ग्राफिकल कंसेप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं 4 लिख देता तो 4 के लाइट और राइट और लेफ्ट पर ये लाइन कंटिन्यू जा रही है, यानी कंटिन्यूस भी है डिफरेंशियबल भी है सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इससे देखता तो क्या करता, अब देखिए यहां पर आप लोग अलग से लिखिएगा 4 4-, अब यहां पर लिखते आप 4, यहां पर भी लिखते 4, अब देखिए क्या होता, आपको मिलता है 1+H/1+H, दिस इज 1, राइट। यहां पर आइए जरा, अब आप लिखते हैं 4-H-3, 4-H-3, तो क्या मिलता आपको, यहां मिलता 1-H/1-H, ये 1-H/1-H, 1, यानी लिमिट एक्सेस कर रही हो, दिख भी रहा है ये ठीक 1 पर है ग्राफ, ये -1 पर है तो ये दिख भी रहा है, यानी अगर अब हम यहां पर एक कंसेप्ट बनाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि लिमिट x टेंस टू a मॉड x-a/x-a दिया हो तो a पर तो ये डिसकंटिन्यूस है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, पर a से बड़े पर यानी a पॉजिटिव के बाद ये हमेशा +1 ही मिलेगा, a पॉजिटिव के बाद ये +1 ही मिलेगा। अगर मैं यहां पे a पॉजिटिव बोलूं तो 1 ही मिलेगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां लिमिट मान लो थोड़ी देर के लिए a+1 a+2, ए के बाद कोई भी नंबर पे +1 मिलेगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी यहां पे 4 पे 1 नहीं मिलेगा, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 एनीथिंग 1 ही मिलेगा, राइट। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए यहां पर 2 हो तो है। इस तरह से अगर आपने बेसिकली कंसेप्ट बना लिया, कैसे नहीं होंगे आपसे क्वेश्चन जाओ आप एग्जाम दे रहे हो बिल्कुल होंगे 100% होंगे। अब मान लो x+2 लिखा तो अब यहां पर लिखेंगे आप 2+H, जो मिस्टेक्स बताता हूं कहां पे क्या क्या होती है, यहां लिखेंगे 2-H, बोलिए क्या हो जाएगा। अब आप क्या बोलेंगे देखिए, अब आप बोलेंगे 2+H-3, 2+H-3, अब आप बोलेंगे 1H-1/H-1, राइट। अब आपसे अगली मिस्टेक होने वाली है जिसको कोई नहीं रोक पाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया, यहां पर पहले इसको भी बता दूं, 2-H-3, 2-H-3, यह मिला -H-1, यहां मिला -H-1, मॉड से निकली क्वांटिटी प्लस होती है, आप लिखते हैं H+1, नीचे माइनस कॉमन ले लिया और आपने लिख दिया +1, पर कॉमन मिस्टेक है लोग इसको ऐसा लिख देते हैं H-1, राइट H-1, यहां पर कितना मिला, ये माइनस कॉमन ले लिया आपने तो -1, यहां पर मिला H-1 और +1 लिख दिया और आंसर बोल दिया डिसकंटिन्यूस। ये अगली बिगेस्ट मिस्टेक है, ये H-1 नहीं होगा, मॉड से निकली क्वांटिटी रिमेंबर ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होती है,
यही छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, इसलिए कहीं के भी नहीं रहते। मॉड ए माइनस बी इज ए माइनस बी इफ ए ग्रेटर देन बी, बी माइनस ए इफ ए लेस देन बी, यानी निकली हुई चीज क्या है उस पर डिपेंड करता है। जब मॉड एच माइनस वन लिखा है, समझिएगा एच बहुत छोटा नंबर होता है, लगभग जीरो, जीरो नहीं पर इक्वलेंट टू जीरो, तो इसमें इसको अगर आपने ऐसा लिख दिया तो निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। यानी मुझे यहां पर राइट टेक्निक ये थी कि इसको एच माइनस वन नहीं, माइनस लगाओ या वन माइनस एच लिखो, और ये एच माइनस वन था, सॉल्व किया तो माइनस वन, यानी थ्री से छोटे पे इसका रिजल्ट माइनस वन। मैंने आपको ग्राफिकली भी समझा दिया, थ्री से छोटा कोई भी ले लोगे, हर पे, टू पे लिया था आपने अभी, आप कोई भी वैल्यू ले लोगे आपको हमेशा माइनस वन मिलेगा। तो इसका मतलब ऐसे कंसेप्ट बनाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ये एक तरीका होता है करने का कि कैसे हम सॉल्यूशन दें, लिखना क्या है, कहीं लिमिट नहीं लिखना है, ये सब चीजें सीखो। ट्रिक्स क्या होती है पहले समझो, ट्रिक वो होती है जिनमें स्ट्रांग कंसेप्ट बिल्ड हो, ट्रिक वो नहीं होती जो क्वेश्चन पे अप्लाई की और क्वेश्चन बदल गया, आपकी ट्रिक फेल हो गई, आप उलझ गए। ट्रिक वो होती है जो कि कंसेप्चुअल हो। जैसे मैं बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखिए जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आया, बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई में ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 प्लस h लिखेंगे तो 3, 3 माइनस h लिखेंगे तो 2, why 2? बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपना नेचर केवल इंटीजर पे ही बदलता है। तो अगर मैं बोलूं कि 2 तो भी 2, 2.999999 भी बोलूं तो भी 2, ठीक 3 पे आके ही नेचर बदलेगा। तो 2 माइनस भले ही स्मॉल है पर ये 2.99 हुआ इसलिए 2, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ग्राफिकली इस भी समझे तो आपको समझ में आता है कि 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2, अब यहां 3 दिया है तो 3 से 4 में 3, इसका मतलब 3 प्लस एच पे 3 है, 3 माइनस एच पे 2 है, ब्रेक हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस भी नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। यही चीज थी जो आपको सीखनी है, कहीं पर आपको समझना पड़ेगा क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में। अगर मैं यहां पर नेक्स्ट बात करूं कि मान लीजिए लिमिट ऐसा ना होता, ऐसा होता कि लिमिट x टेंस टू 5/2, यही क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता, अब क्या होता? मैंने आपको बोला लिमिट लिमिट सब भूल जाओ, आप लिखते 2.5 प्लस h, 2.5 प्लस h यानी 2.5 का 2, 2.5 माइनस h दिस इज ऑल्सो 2, ठीक 2.5 दिस इज ऑल्सो 2, देखिए कंटिन्यूस 2.5 यहां कहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू अगर कभी भी इंटीजर दिए हो तो डज नॉट एग्जिस्ट, और इंटीजर नहीं है ऑलवेज एग्जिस्ट। यही चीजें हैं जिस पे आपको कंसेप्ट बनाना है, जिस पे आपको वर्क करना है, जिसके क्वेश्चंस की टेक्निक सीखनी है। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताता हूं जो अभी जनवरी में आए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप कहां पर किस ढंग से लैग करते हैं। अब टेक्निक्स भी बताऊंगा साथ में, जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था, मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ। रूट वन प्लस वाई पावर 4 माइनस रूट 2 अपॉन वाई पावर 4। अब इसमें ऑप्शन ये भी है कि डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, वैल्यू दी हुई है, कैसे करेंगे? अब याद रखिएगा कुछ कंसेप्ट बहुत काम आएंगे। देखिए बहुत डिटेल में मैं फिर बोल रहा हूँ कि नहीं जा पाऊंगा, पर फिर भी अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन है, एक्स टेंस टू 0 के केस में कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ, तो आप इसको डायरेक्टली लिखिए 1 प्लस एन एक्स, 1 माइनस की पावर एन हो तो डायरेक्टली लिखिए 1 माइनस एन एक्स, साइन एक्स हो, इसमें बहुत कंसेप्ट लगते हैं, साइन एक्स लिखिए, मतलब डिग्री वगैरह सब देखनी पड़ती है, टेन एक्स लिखना है तो एक्स लिखिए, दूसरा सीरीज एक्सपांशन के फॉर्मूले अगर हो सकता है तो रिवाइज करिए, एक्स माइनस एक्स क्यूब, देखिए जैसे ये आया तो मेरे दिमाग में आ गया, प्लस एक्स 5/5 माइनस, ये सब हर एंगल से आपको अपने आप को तैयार करना है कि क्वेश्चन कैसे बजाए आप सॉल्व कर पाओ। मान लो कॉस एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4, राइट, टेन एक्स है तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2/15 एक्स पावर 5 एंड सो ऑन। अब आपने इसलिए फॉर्मूले पढ़े होंगे, लिमिट मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखवाया क्योंकि फॉर्मूले तो आप बुक से लिख लेंगे, एक्स टेंड्स टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स वन, ये पूरा जब तक हम पूरी कैलकुलस में जो वैल्यू होती है एंगल्स की वो रेडियन में मेजर होती है। अब मान लो कभी ये डिग्री में दिया होता, ये सब चीजें अगर आप रिवाइज कर लें एक बार समझ लें तो क्या प्रॉब्लम है। सीरीज एक्सपांशन से इनके प्रूफ होते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक्सपांशन क्या है, ये सब लगने वाले हैं कंसेप्ट। एक मेथड ही इनफैक्ट मैं पढ़ाता हूँ एक्सपांशन, यूजिंग एक्सपांशन फॉर्मूले, राइट। लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर, वन प्लस एक्स पावर एन की सीरीज क्या है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन लाइक दिस, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स, कई बार गलती से वन लिख देते हैं, नो ध्यान रखिएगा, इसको चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 आएगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन अगर एक्स होता तो आंसर विल बी ए। अब कॉस एक्स अपॉन एक्स वन क्यों नहीं होता, क्योंकि ये वन से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी तो ऐसी कोई रीजन नहीं है कि आपसे क्वेश्चन ना बने। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा मैंने, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी स्टेप्स क्या क्या होनी चाहिए थी। जो पेपर में जब भी कभी रूट वाला हो तो रैशलाइज तो करना ही है, रैशलाइजिंग फैक्टर प्लस होता है और प्लस से जो रिजल्ट मिले वो डायरेक्ट लिखने के बाद डालो, जीरो रख दो यहाँ पर, तो वन प्लस वन रूट टू प्लस रूट टू, यानी अगर आप रैशलाइज करेंगे पहले तो रैशलाइज करें बिना करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा वन प्लस वन प्लस वाई पावर फोर माइनस टू, राइट, अपॉन वाई पावर फोर इंटू इसका रैशलाइजिंग फैक्टर टू रूट टू। स्टेप देखिए क्या करिए, मैंने यहां पर रूट आएगा, मैं अभी रूट लिख देता हूं, मैं उसमें भी आपको भी टेक्निक बता रहा था, ये रूट लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टू रूट टू क्यों आया, ये स्टेप सेव करना जरूरी है। अगर आपने ये सब सेव कर ली, देखिए ये क्या है, कंसेप्ट, ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट होने का फायदा, आप एग्जाम में फेल नहीं हो सकते, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्या किया मैंने, अब आपने ये स्टेप्स को बचाया, पहले पूरा करता हूं। और मैंने अभी बोला वन प्लस एक्स पावर एन को आप लिख सकते हो वन प्लस एन एक्स, तो आप इसको डायरेक्टली मैं ऐसा लिखता वन प्लस वन प्लस वाई पावर फोर बाय टू माइनस टू अपॉन वाई पावर फोर टू रूट टू, ये टू कंप्लीटली कैंसिल, वाई पावर फोर कैंसिल, वन अपॉन फोर रूट टू इज अ राइट आंसर। अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ और बताता हूँ कि अगर आप ये मेथड से कर रहे होते तो आप कहाँ कहाँ क्या क्या टाइम वेस्ट कर रहे होते। ये अभी इसी साल का जेई का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले लिमिट, एक तो ये क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, याद रखिएगा क्वेश्चन भी नहीं लिखना है कॉपी पे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये। अब आप क्या करते हैं, पहले पेज पे रफ पेज पे ये लिखा, फिर आपने लिखा रैशलाइजिंग फैक्टर, ये लिखा आपने रैशलाइजिंग फैक्टर। अब क्या हुआ, अब हुआ लिमिट y टेंस टू जीरो, इसको रैशलाइज करोगे तो ऑब्वियसली वन प्लस रूट वन प्लस वाई पावर फोर माइनस ऑफ टू, क्योंकि a प्लस बी रैशलाइजिंग में हमेशा ये कंसेप्ट यूज होता है, डायरेक्टली करिए। फिर नीचे आप लिखते हैं y पावर फोर इंटू रैशलाइजिंग फैक्टर। अच्छा रैशलाइजिंग फैक्टर होता ही इसलिए वो जीरो बाय जीरो फॉर्म को खत्म करता है, तो मेरा ये मानना है कि जो रैशलाइजिंग फैक्टर आया उसमें लिमिट डायरेक्ट पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने डायरेक्ट पुट करी जीरो, तो रूट टू रूट टू टू रूट टू मैंने एक बार में लिख दिया। दूसरा यही रिजल्ट को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वो स्टेप्स, इस स्टेप को लिखने में आप घड़ी देखो स्टॉप वॉच लगा के, आपको कम से कम 30 सेकंड मिलेंगे। ये 30 सेकंड आपने सेव कर लिए, आप सोचिए कि हर स्टेप हर क्वेश्चन में 4-5 स्टेप सेव करी, 1 or 2 मिनट सेव करें। अब इसके बाद अब मैं इसको क्या होगा, फिर से रैशलाइजिंग करवाऊंगा, नहीं कोई जरूरत नहीं। एक्चुअल में तो ये ऐसा होता है वन प्लस वाई पावर फोर माइनस वन अपॉन वाई पावर फोर इन टू टू रूट टू, अब फिर से रैशलाइज करते, रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी करते तो आपको ये मिलता। देखिए वन प्लस वाई पावर फोर माइनस वन अपॉन वाई पावर फोर टू रूट टू, रैशलाइजिंग करते तो यहाँ वाई की जगह जीरो रख देते तो एक टू और मिल गया, ये कैंसिल ये इससे कैंसिल, वन अपॉन फोर रूट टू। पर ये भी नहीं करना है, जैसे ही वन प्लस एक्स की पावर एन मिले और लिमिट जीरो दिए तो वन प्लस एन एक्स लिख दो। तो एक्चुअल में इसका मतलब वन प्लस हाफ पावर है तो वन प्लस वाई पावर फोर बाय टू लिखा और सॉल्व कर लिया। यानी ये टेक्निक्स हैं जिनको डेवलप करनी है, बट आप लोग इस चीज को समझिए। जितने भी टफेस्ट टॉपिक्स होते हैं मैथ्स में, उन सब पे मेरा एक ही बोलना है,
कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो मेरे साथ, मैंने सारे टॉपिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स को डेवलप किया, उससे ट्रिक्स डेवलप की, ऐसी ट्रिक्स जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें, ना कि क्वेश्चन पे ट्रिक्स, क्वेश्चन पे नहीं, कंसेप्ट बनाना है। अब देखिए जैसे यहां पर अगले क्वेश्चन को हम देखें, ये अगले पेपर में आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या है क्वेश्चन सुनिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स इंटू, ये वाला ब्रैकेट है, नहीं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है मेंशन भी ऊपर, प्लस मॉड एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू, आपसे पूछा है, बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ ही है क्वेश्चन में यही। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं वो हम समझते हैं, और यहां पर जीरो नेगेटिव दिया हुआ है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, जीरो नेगेटिव होना जरूरी भी था। अब सुनिए क्या क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मॉड ऑफ एक्स साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, इसके ऑप्शन भी लिखता हूं मैं आपको, पहले इसको एक सिंगल स्टेप में बताऊंगा, जबकि इस क्वेश्चन में मुझे, मैं बता दूं कई लोग बहुत टाइम खर्च करते हैं, यही तो टाइम बचाना है, स्कोर कैसे हाई होगा, क्यों यहां पे बच्चे 100 स्कोर कर सकते हैं वो समझिए। अब अगर यहां पर देखूं मैं तो जीरो माइनस, जीरो नेगेटिव का मतलब हुआ जीरो माइनस एच, आप डायरेक्टली माइनस एच रख सकते हैं, और याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच हमेशा माइनस वन होगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये ऐसा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन होगा। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखूं, कुछ स्टेप मत लिखना, माइनस एच ये माइनस वन राइट, यहां पर क्या आएगा अगर हम देखें तो ये है बचेगा कितना, केवल एच क्योंकि मॉड है वहां पर, इनटू साइन माइनस वन अपॉन, यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा एच, मॉड है इसलिए एच बचा, क्लियर, इस एच से ये एच कैंसिल हो गया। अब ये माइनस एच की जगह जीरो रख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा क्या साइन माइनस वन यानी माइनस ऑफ साइन वन, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, यानी ये टेक्निक्स है। अब आप इसमें उलझ के कितना भी कर सकते हो, अब देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जीरो माइनस एच रखा, मुझे आदत है कम से कम स्टेप लिखने की, ये जीरो माइनस एच, आप ये स्टेप लिख रहे हैं मान लीजिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लस मॉड जीरो माइनस एच साइन जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, अब ये मिला केवल माइनस एच, यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसलिए माइनस वन, मॉड है इसलिए प्लस का एच, इनटू साइन माइनस वन अपॉन एच, इस एच से एच को कैंसिल कर दिया, एच के प्लेस पे जीरो रख दिया, लिमिट कहीं नहीं लिख रहा हूँ पर एच जहाँ लिखा है वहाँ पर ये, तो अब बचा केवल साइन माइनस वन एंड आंसर इज माइनस ऑफ साइन वन। ये टेक्निक्स हैं जिनको आपको एक्चुअल में डेवलप करनी है, अगर ये डेवलप कर ली तो आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं स्पेशली जेई में, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, एक कंसेप्ट बिगड़ा कि सब कुछ बिगड़ गया, आप इसमें फिर कर ही नहीं पाएंगे सही। अब जैसे एक और बात करता हूं मैं कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट वन पॉजिटिव है, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, देखिए क्या क्या है, वन माइनस मॉड एक्स, इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे, प्लस साइन मॉड के अंदर है वन माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज साइन सुनिए क्या है पाई बाई टू ग्रेटर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऊपर मेंशन भी किया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन 1 माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एक्स, और बोला है क्या बोला सुनिए, इक्वल टू ऑप्शन बने माइनस वन इक्वल टू वन डज नॉट एग्जिस्ट और जीरो, ये तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखते हैं हम ये क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। अब सबसे पहले सुनिए, यहां पर आपको लेना है 1 प्लस एच यानी एफ 1 प्लस एच, जितना डायरेक्ट हो सकता लिखते चलिए समझ में आ जाएगा आपको, देखिए और एच की जगह जीरो भी लिखता हुआ चलूंगा, यहाँ आ गया वन माइनस मॉट के अंदर वन प्लस एच, यानी बेसिकली अगर हम देखें तो एच की जगह जीरो रख दूँ तो वन,
अब यहाँ पर रखा 1 प्लस एच तो साइन एच बचा, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर रखा ये मिलेगा बेटा कितना 1 माइनस 1 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, थोड़ा स्टेप समझा रहा, माइनस एच यानी माइनस 1, यानी साइन माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस 1, तो ये मिला माइनस 1 अपॉन, ये मिल गया कितना अभी मैंने बताया 1, और ये कितना मिल गया 1 माइनस, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो दिस इज माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, h की जगह 0 रख दिया, 0 इंटू एनीथिंग 0, इसका करेक्ट आंसर होगा 0। अभी मैं स्टेप वाइज समझा दूंगा आपको, करेक्ट आंसर हुआ 0। जिस क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगा सकते थे उसमें हार्डली 50 सेकंड में कर सकते हो, और शर्त है कि कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है। मत लिखिए स्टेप 1 माइनस मॉड के अंदर लिख रहे हैं 1 प्लस एच प्लस साइन मॉड 1 माइनस 1 प्लस एच, मॉड है तो मॉड का मतलब ही क्या होता है समझिए, पाई बाई 2 1 माइनस 1 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ है ये अपॉन, ये सब लिखे जा रहे हो आप, जरूरत ही नहीं है 1 प्लस एच, यहां माइनस था, ये मॉड के अंदर और ये 1 माइनस 1 प्लस एच, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। अब एच की जगह आप कहीं पे भी किसी कंसेप्चुअली लिमिट को, क्योंकि वो डिटेल में कवर किया हुआ मैंने, क्यों लिख पा रहा हूं बहुत जल्दी, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल क्लियर तो आप लिख पाओगे, यहां एच की जगह 0 तो 1 माइनस 1, यहां 1 से 1 कैंसिल, साइन माइनस एच बचा, पर मॉड है तो इसका मतलब साइन एच हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। यहां पर ये माइनस 1 मिला तो साइन पाई बाय माइनस पाई बाय 2, तो कितना हो गया माइनस 1, ये माइनस 1 लिखना था मुझे यहां, साइन माइनस पाई बाय 2 इज माइनस 1। अब नीचे अगर हम आए, क्योंकि यहां साइन एच 0 हो गया था इसलिए फर्क नहीं पड़ा, नीचे तो यहां बचा 1 और यहां पर मिला माइनस 1, पर आपने जब यहां पर एच की जगह 0 रख दिया तो इन ऑल रिजल्ट 0 हो गया, और ये 1 प्लस पे ही चेक करना था और कुछ नहीं करना था। क्लियर है बात, नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन अभी अभी आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आपको सबसे सिंपल लगेंगे, सिंपल इसलिए लगेंगे क्योंकि हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं, सिंपल फंडामेंटल से कर रहे हैं, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप टफ से टफ क्वेश्चन को कैसे सिंपल करो, और उसका तरीका है फाउंडेशन पे स्ट्रांग कमांड होना। अब देखिए क्वेश्चन है, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स। आप सोचिए, आप अगर आपको ये थोड़े से सेशन के क्विक रिविजन से आपको सब क्लियर हो रहा है, तो अगर आप ये कंप्लीट सेशन अटेंड कर रहे होते तो आपको 100% हर चीज समझ में आती, हर चीज आप कर पाते। एक्स ग्रेटर देन 0 दिया है, अच्छा एक और बात दी है, एफ 1 नॉट इक्वल टू 4, देन क्वेश्चन क्या सुनिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स एफ 1 बाय एक्स आपसे पूछा है, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 4, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0 एंड 4/7, ओके। अब क्वेश्चन समझिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है। अब जेई में हम जब भी देखते हैं क्वेश्चन, कुछ पैटर्न ऐसा होता है कि इंटरकनेक्शन बहुत होता है, अगर इसमें देखें तो हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा, 1 बाय एक्स तो हम रख लेंगे। अब आपको पता है y इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है एफ डैश एक्स। अब थोड़ा सा सोचिए कि ये एक्चुअल में डी वाई बाई डी एक्स दिया है, इसको मैं अगर इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा प्लस 3/4, ये दो बार मैंने 4 गलत लिख दिया, एक ही होगा, हाँ x है यहां पर, सॉरी 3/4 y अपॉन x इक्वल टू 7। अगर ध्यान दीजिए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हमने एक स्टेप में सीखा है, इंटीग्रल फैक्टर होता है e पावर पी डी एक्स, और सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। क्वेश्चन कहने को लिमिट का है, पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट लगे, लीनियर आपको मैंने पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन डिटेल में कवर करवाया। अब देखिए यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इसका इंटीग्रल फैक्टर है e पावर 3/4 बार 1 बाय एक्स डी एक्स, मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते थे लॉग एक्स, यानी एक्स की पावर 3/4, राइट याद रखिएगा, ई पावर लॉग बेस लॉग एक्स होता है एक्स, ई पावर एम लॉग एक्स होता है एक्स पावर एम। तो एक्चुअल मैं ये समझा देता हूं, बाकी ये 3/4 लॉग एक्स मिलेगा इसलिए एक्स की पावर 3/4 मिलेगा। अब इसका सॉल्यूशन सेट मैंने अभी बताया आपको क्या मिलेगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है 7, इसका इंटीग्रल करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो x की पावर 7/4 अपॉन 7/4 प्लस सी। तो एक तरह से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि y इक्वल टू
मुझे मिल गया क्या, ये 7 से 7 कैंसिल, 4 टाइम्स ऑफ x पावर, देखिए 7 बाय 4 है, माइनस 3 बाय 4 कर दीजिए, राइट, माइनस 3 बाय 4 कर दीजिए तो कितना बचा 1, तो 4x प्लस c इंटू x की पावर माइनस 3 बाय 4 ये मिल गया। क्या करा आपने, x की पावर 3 बाय 4 का डिवाइड करा, तो डिवाइड करा तो ये पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी, तो 7 बाय 4 माइनस 3 बाय 4, 4 बाय 4 1, और यहां पर ये आ गया। अब y मतलब fx। अब आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, आपको किसकी लिमिट बतानी है, x इंटू f 1 बाय x की, शाबाश, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां पर 1 बाय x लिखना है, तो 1 बाय x लिखना है मतलब, अब ये fx है, बोलो 1 बाय x करेंगे तो 4 बाय x प्लस c, ये एक्चुअल में ऐसा था, इसको लॉजिकली सोचे तो c अपॉन 1 बाय x, तो c इंटू x की पावर ये हो जाएगा 3 बाय 4। अब जब आप देखिए, अब क्वेश्चन खत्म, 4 आंसर आ गया, कैसे, x का अंदर मल्टीप्लाई किया, अभी जिस स्टेप पे आंसर आ जाए उस स्टेप के बाद एक भी स्टेप लिखना मतलब हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसा लिखते 4 प्लस c इंटू x की पावर 3 बाय 4 इंटू x, यहां पे x बच जाता, x की वैल्यू 0 दी इसलिए 0 हो जाता, देन आंसर विल बी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 4, राइट, नोट कर लो क्वेश्चन को अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, सारा खेल इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को किस ढंग से हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, अब क्वेश्चन को समझिए, सॉल्व करने की टेक्निक समझिए, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये n अपॉन, वैसे ये डेफिनेट इंटीग्रल का भी क्वेश्चन कहलाता है, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बट मैं आपको दोनों में आता है, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 1 अपॉन 5n इक्वल टू। अब सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, वो कंसेप्ट समझ लिया तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। एक समीशन सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n समेशन r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 या 1 टू n भी लिखते हैं, दोनों चलेगा, f r 1 अपॉन r बाय n, ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता है 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स में, r बाय n डायरेक्टली। अगर ये लिमिट 1 से 2n है तो 0 टू 2 लिमिट होगी, 3n है तो 0 से 3 होगी, 4 होगी, लाइक दिस। अब इसमें हमेशा लास्ट टर्म को सॉल्व किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, लास्ट टर्म में एक बात पक्की पता थी, ऊपर n आना है, नीचे 5n कब होगा, n स्क्वायर तो चला आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2n का स्क्वायर होगा, तो 2n का स्क्वायर हुआ कितना, 4n स्क्वायर 5n स्क्वायर, तो देखो n अपॉन 5n स्क्वायर देन 5n इसलिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मैं इसको समेशन फॉर्म में जब जाके लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा, n अपॉन समेशन r इक्वल टू 1 टू 2n n स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर, राइट, आप रख दो 1 2 3 4 ये सीरीज बन जाएगी। अब 1 बाय n बनाना बहुत जरूरी होता है, तो r इक्वल टू 1 टू 2n, 1 बाय n बनाया आपने कॉमन लिया, मतलब n स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन r बाय n का होल स्क्वायर, राइट, आपने जब n स्क्वायर कॉमन लिया एक कैंसिल, अब ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 टू 2 क्योंकि 2n तक गए, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज tan इनवर्स x 0 टू 2 देन tan इनवर्स 2, दिस इज द राइट आंसर, यही आंसर की फॉर्म है, tan इनवर्स 2 इज अ राइट आंसर। तो आपको करना कैसे है वो अगर क्लियर है तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसके बाद का, क्वेश्चन देखिए क्या है, एक और इसमें एक्चुअल में डेफिनेट का क्वेश्चन है और लिमिट में काउंट होता है, लिमिट में भी कर सकते हैं, समीशन सीरीज वाले क्वेश्चन जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव रूट ऑफ पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स
अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। यस, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, रूट पाई रूट 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। अब एक चीज समझिएगा अच्छे से, ये 1 माइनस है यानी 1 माइनस एच के लिए चेक करना है। आप इसे रेशलाइज करेंगे, एक तो सबसे पहले तो पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स बचा, रेशलाइजिंग फैक्टर से ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखा तो पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस पाई यानी 1 अपॉन 2 रूट पाई। हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2, इसका मतलब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, ऐसा भी बोल सकते हो आप कि 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। तो आपके पास क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स, तो अगर 2 साइन इनवर्स एक्स है तो 2 साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो चाहो तो क्या, पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये माइनस है तो एक तरह से बचेगा आपके पास 2 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट पाई। बार बार ये भी ना लिखें तो अच्छा होगा। अब 1 माइनस एक्स है, ये कॉस इनवर्स एक्स है, याद रखिए कॉस इनवर्स एक्स को अगर मैं टी मान लूँ तो एक्स इक्वल टू कॉस टी, अभी 1 थी लिमिट अब 0 हो गई, तो ये हो गया 2 टी अपॉन रूट 1 माइनस कॉस टी 1 अपॉन 2 रूट पाई, ये 2 से 2 भी कैंसिल। अब देखिए ये है टी, ये हो गया रूट 2 इंटू साइन टी बाई 2 इंटू 1 अपॉन रूट पाई। अब मैंने आपको बताया था एक्सटेंस टू 0 पे टी बाई 2 लिख लो, टी से टी कैंसिल, ये 2 चला गया ऊपर, तो रूट 2 अपॉन पाई इज अ फाइनल आंसर। यानी किस टेक्निक से कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इस तरह से आप क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट?